आप सबको बताना चाहते हैं कि सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हुरब लेबर रूम में जा चुकी है, आपको दिखाते हैं कि सब लोग देखें कितने ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं और अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आ जाए आपको दिखाते हैं, ये देखिए कुछ लोग तो जो है रूम में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कुछ लोग वेटिंग एरिया में बैठे हैं बिल्कुल सामने। और मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल वाले जल्दी हमें कहेंगे कि आप घर जाओ। अभी काफी लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ लोग गुरब के साथ हैं। तो दुआ में याद रखें कि खुदा सब अच्छा करे और हम जल्दी से बेबी को गुरब को खैरियत से रिसीव करें। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। दूर है मेरी प्रेम कहानी यीशु तेरे साथ। हेलो जी, क्या चाहिए आपको? हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। कौन सा इंटरव्यू? हम आपकी फीलिंग्स जानने आए हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है। हमारी फीलिंग बड़ी अच्छी है, एक्साइटेड भी हूँ, परेशान भी हूँ। अभी हुरब लेबर रूम में है, थोड़ी देर तक हमारा बेबी आने वाला है। बड़ा परेशानी का टाइम भी है, खुशी का टाइम भी है, एक्साइटमेंट भी है। सब लोगों की एक्साइटमेंट जमा है, इतने लोग आए हुए हैं तो सब लोग बहुत खुश हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हमें गुड न्यूज़ मिले। और हमारी दुआ है कि हुरब और बेबी दोनों सेहतमंद हो। हम वेट कर रहे हैं बेबी का, बहुत जल्दी आने वाला है। हम खुशियाँ मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और टिक्के कबाब भी खाएंगे। ओके, हाँ जी, खुदा का शुक्र है जो ये मौके देता है, और सबसे बढ़कर खुदा से तंदुरुस्ती जिंदगी दे और सबको खुशियाँ दे। चले फूफो बताए अपनी फीलिंग्स। फीलिंग्स बहुत अच्छी है, वेट कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बेबीज दुनिया में आए और हमारे लिए खूब खुशियाँ लेके आए। और हुरब के लिए यही है कि खुदा उसको और हिम्मत और ताकत दे और वो अच्छे से सारा कुछ का हो जाए। हाँ जी, नानी नाना आप क्या कहेंगे? कबूल करने के लिए हम तैयार बैठे हुए। बस खुदा जो वक्त खुदा ने हमारे आने वाले बच्चे के लिए मुकर्रर किया है, खुदा वो वक्त और वो माहौल और बाकी तमाम मामला जो उसकी सेहत के लिए बेहतर है वो खुदा अपने टाइम पे मुकर्रर वक्त पे करे। यहाँ पे इंतजार में है कि खुदा अच्छी खबर दे, खैर खैरियत से हम अपने घर को जाए, जो भी खुदा हमें गिफ्ट देने को है सेहत। बाकी ये देख लें, फोटाबाद में यही है, हम भी इंतजार में हैं कि खुदा जल्दी जल्दी हमें गुड न्यूज़ दे और हम अपने घर लेके जाएं अपना न्यू बेबी। वैसे होता है ऐसे ही है, पैंपर ही चेंज करने पड़ते हैं। अनंत बेबी ने ना, बेबी का पिट्ठा कैसे लेगा? बेबी का पिट्ठा कैसे लेगा? ऐसे ऐसे लेगा और बेबी को प्यार कैसे करेगा, मारेगा कैसे उसको? चलो जी चलो। तो गाइस अभी हम हुरब को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए लेबर रूम जा रहे हैं। आ जाए यीशु मेरी ताकत, यीशु है चट्टान। अभी हम हुरब को मिलने जा रहे हैं और उसको थोड़ी सी तसल्ली देते हैं क्योंकि बड़ा पेनफुल टाइम होता है। आ जाए थोड़ा सा उसको हाय हेलो कर देते हैं। रूंगा ये सुने घे बाब ही है मेरा सहारा। तो गाइस हमने हुरब को विजिट कर लिया है, आ जाए, बट मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा उसके पास होऊंगा तो वो और वीक होगी। तो अभी मुझमें भी हिम्मत नहीं है, बट ये कि अभी हम जा रहे हैं, अभी हम अपने शूज चेंज कर रहे हैं क्योंकि लेबर रूम में जाने के लिए जूते अलग होते हैं, तो मैं अपने जूते वापस से पहन रहा हूँ, फिर अभी हम फैमिली के पास जाते हैं। तो बस हम आवारा गर्दियाँ कर रहे हैं, ये देखो, और वेट कर रहे हैं कब बेबी आए, तब तक वॉक करते हैं, तब तक हम और प्रे करते हैं।
उसका ज़हूर। चलो जी, हेलो, डेकोरेशन हो रही है, हमें समझ नहीं आ रही थी कि अभी हम क्या करें, तो साथ साथ हम सब दुआ भी कर रहे हैं और साथ साथ रूम को डिकोर भी कर रहे हैं। और जब हम शॉप पे बलून्स लेने गए तो हमें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने सारे रंगों के बलून्स ले लिए। फिर मैंने सोचा कि शायद हमारे बेबी में तमाम टैलेंट्स होंगे। तो अभी ये देखिए सारे, ये बेबी के नाना अबू जो है बलून फुला रहे हैं, और ये देखिए सारे लगे हुए हैं एंजॉय करने, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, बट वी आर सो एक्साइटेड, वी आर सो मोटिवेटेड एंड वी आर सो इंकरेज्ड एंड वी आर सो पॉजिटिव के वी विल रिसीव अ ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वेरी सून। गॉड ब्लेस यू। मुझसे ना दूर है मेरी प्रेम कहानी, यीशु तेरे साथ मेरी प्रेम कहानी, यीशु तेरे साथ मेरा जीवन भी बस तेरे।